Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and today we are going to do binary to decimal conversions. जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नंबर सिस्टम्स क्या होता है, कितनी तरह के नंबर सिस्टम्स हमारे पास होते हैं and we have to convert one number system to another. So आज हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल पहली चीज़ से, that is binary to decimal conversion. आपके पास नंबर binary में given है, like 10 की फॉर्म में given है और आपको उसे decimal जो कि हमारा normal system जिसे हम यूज़ करते हैं मैथ्स में उसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, दैट इज़ वॉट वी विल बी डूइंग टुडे. बिफोर वी स्टार्ट विद दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो सब्सक्राइब इट राइट नाउ बिकॉज यू गेट फ्री लेक्चर्स, वर्कशीट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओवर हियर एंड आई विल बी स्टार्टिंग अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीरीज ऑल्सो वेरी सून फॉर BCA, BTech, BSC कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स. Also for class 11th and 12th computer science, IP, CBSE board, you get complete tutorials on this channel absolutely free. So subscribe the channel and share it with your other classmates and friends as well. और आज की क्लास में हम करेंगे कन्वर्जन कैसे करते हैं. So चलिए let's start. So binary number, पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए binary number होता क्या है, ठीक है. Binary number क्या होता है, any number written in this form, this is a binary number. इसको कन्वर्ट करना है आपको, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, मतलब 0 से 9 डिजिट्स जहाँ पे यूज़ हो सकते हैं उसमें. अब जब आप स्कूल में नंबर सिस्टम सीखते हो, है ना, मेरे ख्याल से 3rd या 4th क्लास में डिटेल में नंबर सिस्टम करते हैं, सो वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि अगर आपके पास एक नंबर है 356, इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करो. एक्सपैंड कैसे करते हैं, एक्सपैंड कुछ ऐसे करते हैं, 3 into 100 + 5 into 10 + 6 into 1, दिस इज हाउ वी एक्सपैंड इट. अगर हम इसको देखें फर्दर तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, 3 into 10 raised to the power 2, 5 into 10 raised to the power 1, 6 into 10 raised to the power 0, and any number raised to the power 0 is 1, तो यहाँ पे 1 आएगा. सो 10 की पावर्स के साथ आप हर प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, तो ये जो भी फेस वैल्यू है उसको उसकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास हमारा नंबर आ जाए, ऐसे ही होता है ना. सो ये 3 इसकी फेस वैल्यू है लेकिन 300 इसकी प्लेस वैल्यू है, 5 इसकी फेस वैल्यू है बट द प्लेस वैल्यू इज 50. So that we are getting if we multiply it with powers of 10, starting from 0. जैसे जैसे लेफ्ट में जाते जाते हैं पावर इंक्रीज होती जाती है. यही सेम कंसेप्ट आप यूज करोगे जब आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, बस फर्क इतना हो जाएगा कि ये जो 10 की पावर्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब हम 10 की पावर्स के साथ नहीं करेंगे, अब हम 2 की पावर्स के साथ करेंगे, ठीक है. सो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर्स के साथ, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है और जो आएगा वो डेसिमल नंबर होगा. लेट्स सी हाउ, कितने डिजिट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं. सो लास्ट डिजिट जो है वो 2 raised to the power 7 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए क्योंकि हम 0 से शुरू करते हैं. सो आप यहाँ लिख भी सकते हो, कन्फ्यूजन ना हो. सो फॉर दैट यू कैन राइट इट ऑल्सो ओवर हियर, +1 × 2 raised to the power 6, तो फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे. सो 1 × 2 raised to the power 7, 1 × 2 raised to the power 6, देन आ गया आपके पास 0 0 × 2 raised to the power 5 प्लस 1 × 2 raised to the power 4 प्लस 1 × 2 raised to the power 3 प्लस 0 × 2 raised to the power 2 प्लस 0 × 2 raised to the power 1 प्लस 1 × 2 raised to the power 0, है ना. अब 0 वाले तो देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 वाले तो आने ही नहीं है, ये तो 0 हो गए, इनको तो हटा ही देते हैं. अब बचे आपके पास 1 वाले, तो 2 raised to the power 7 कितना होता है, 256, है ना. दिस इज 256, 2 raised to the power 32 64, नहीं 128 होता है, 128 होता है, इट्स नॉट 256, सो इट इज 128 प्लस 2 raised to the power 6 होता है 64, 2 raised to the power 5 32 होता है, वो तो 0 हो गया. फिर होता है 2 raised to the power 4 विच इज 16 प्लस 2 raised to the power 3 दैट इज 8, ये 0 हो गए. 2 raised to the power 0 is 1, so 1 × 1 is 1, so +1. Now I'll add it up, मैं सारे को add कर लेती हूँ. So 6 + 1 70, ये बन गया 80, this is 88. 88 में अगर मैंने इसको add किया, so 128 plus 88, यहाँ पे लिखा 6 10 11, that is 216, है ना. ये बना 8 और 8 16 6 1, yes it's 216 + 1 217. सो योर आंसर इज 217 और इसके साथ आप लगाओगे ब्रैकेट और लिख दोगे 10 क्योंकि ये डेसिमल नंबर है. So answer is 217 in decimal. So this is how we convert a binary number to a decimal number. So छोटा binary number हो, बड़ा binary number हो, करते ऐसे ही हैं. So अगर आपके पास अब दिया जाए ये number and you are asked कि इसका decimal बताओ, तो कितने digits हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 हैं तो 1 into 2 raised to the power 5, 0 into 2 raised to the power 4, 1 into 2 raised to the power 3, plus 1 into 2 raised to the power 2, plus 0 into 2 raised to the power 1, plus 1 into 2 raised to the power 0. So that is your expansion. So 1 into 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 5 is 32, plus 0, plus 8, plus 4, plus 0, plus 1. Right? So we get it like this. Up 32 plus 8 is 40, 44, 45. That is your decimal number. Understood? So easy है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, है ना? बहुत easy है. इसको अगर points में दे दिया जाए, अगर आपके पास इसमें ऐसे आ जाए 1011.01. Now you have to do this. Fraction में आ गया. अब कैसे करेंगे? देखो डेसिमल के इधर वाला पार्ट तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. इधर की पावर्स नेगेटिव हो जाएंगी. सो ये हो जाएगा 1 into 2 raised to the power 3, 0 into 2 raised to the power 2, 1 into 2 raised to the power 1, 1 into 2 raised to the power 0, plus 0 into 2 raised to the power -1, plus 1 into 2 raised to the power -2. So this is 8, this is 0, this is 2, this is 1, and this is again 0, and this is 1/4. So 1 into 2 raised to the power -2 का मतलब क्या हुआ? 1/2 raised to the power 2. पावर का साइन चेंज हो जाता है और 2 raised to the power 2 कितना होता है? 4. So 1/4 is going to be 0.25. So 8 plus 2, 10 plus 11, and the answer will be 11.25. So ये ध्यान रखने आपको कि जब हम डेसिमल के इधर चले जाएंगे, ठीक है, तो वो पॉइंट्स में जब आ जाता है तो नेगेटिव पावर हो जाएगी. इस तरफ हम पावर को इंक्रीज करते जाएंगे, पॉजिटिव पावर जाती रहेगी और इधर नेगेटिव पावर जाती रहेगी, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा. आया समझ? अंडरस्टूड इट? ठीक है. सो ये तो हो गई एक कन्वर्जन. अब आप इसको खुद से ट्राई करके देखो. आपको मैं दो नंबर्स दे रही हूँ, एक है ये कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, और कमेंट्स में बताओ कि इसका डेसिमल क्या होगा. और दूसरा आप ट्राई करोगे 1001.11. सो इसका डेसिमल क्या होगा? सो ट्राई एंड राइट द आंसर्स इन द कमेंट्स. अगर आप मेरे साथ एक MCQ सेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक लाइव क्विज अटेंड करना चाहते हो, जहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगी विद 4 ऑप्शंस एंड इंटरैक्टिवली आप चूज करोगे कि कौन सा आंसर सही है. सो जॉइन मी टुमारो लाइव एट 1 PM. So I'll be coming live at 1 PM on Unacademy. I'm a plus educator there. Class का link description में given है. इसमें हम number systems के ऊपर polls करेंगे, मतलब कैसे आप एक को दूसरे में convert करते हो और उसका answer क्या आना चाहिए वो आप मुझे वहाँ पर करके दिखाओगे, तो आपके इन questions की practice हो जाएगी. So join me there. The link of the class is in the description. The link of my profile is in the description. Class को unlock करने के लिए आपसे code पूछा जाएगा. And you should enter my name, that is Anjali Luthra, without any space. So do subscribe the channel, like the video, share it with as many students as you can. And by the time I upload more, take very good care of yourself and stay safe.